गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक बाइट में। तो दोस्तों, एक छोटा सा अनाउंसमेंट था जो कि मैं करने जा रहा हूँ कि एक हम जो एक नया कोर्स जो है इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो कि है CCNA 200-301। ठीक है, और मैंने इसका पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है। और हुआ क्या कि मैंने लेक्चर तो रिकॉर्ड कर दिया, बट ये भूल गया कि मुझे कोर्स कंटेंट क्या है, वो कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया, तो मुझे ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं पहले तो ये वाला वीडियो जो आपकी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसके अंदर कोर्स कंटेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ बैक टू बैक आपको पहला लेक्चर भी साथ साथ अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, दोनों चीज़ आपको साथ साथ मिलेंगी। तो हम लोग इस वीडियो को बनाने का रीज़न यही है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग एक्चुअली में CCNA 200-301 करने जा रहे हैं, उसके अंदर हम सीखेंगे क्या चीज़। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग सीखने वाले हैं वो बहुत ही स्टार्ट, यानी कह सकते हो आपकी बिगिनिंग टू एडवांस लेवल पे हम लोग चीज़ें को सीखेंगे। ठीक है, और इस मैं बेसिकली आपको ये जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल है, ये मैं पीडीएफ फाइल शेयर भी कर दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन के साथ। ठीक है, आप ये अपने डाउनलोड भी कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग इसके अंदर जो टॉपिक्स हमारे पास हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर एक एक करके डिस्कस करेंगे, और जो टॉपिक्स हमारा क्लियर होता चला जाएगा उसको हम मतलब मार्क कर लेंगे कि यह कोर्स हमारा यानी ये वाला टॉपिक जो हमारा क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारी कोई चीज़ छूटेगी नहीं, समझ रहे ना, कि इस तरह से हमारी कोई चीज़ छूटेगी नहीं। और बेसिकली क्या है कि हम लोग जो जो टॉपिक करते चले जाएंगे उनको हम लोग मार्क करते चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि अगर कोई टॉपिक छूट भी जाएगा तो मिस नहीं होगा, बेसिकली कोई टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो चलो थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं कि हम लोग एक्चुअली इस कोर्स के अंदर सीखने क्या वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क फंडामेंटल, कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब सबसे पहले बात करूँ नेटवर्क फंडामेंटल। ठीक है, नेटवर्क फंडामेंटल के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे कि ये जो कोर्स की जो ये जो कंटेंट की जो जो सीक्वेंसिंग है, मतलब हम ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में हम लोग डायरेक्ट राउटर पढ़ना शुरू कर देंगे या डायरेक्टली हम लोग L3 L2 पढ़ने शुरू कर देंगे। मतलब मैं यहाँ इसमें से कोई ऐसी टॉपिक है जो कि मैं मिस नहीं करूँगा आप लोगों के लिए, मैं आपको बता दूँ, लेकिन हम लोग जो जो टॉपिक करते चलेंगे, जो मुझे लगता है कि हाँ इनिशियली हमें स्टार्ट इस चीज़ को पहले स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं उस हिसाब से चलूँगा। ठीक है, लेकिन जो चीज़ हम लोग करते चले जाएंगे उसको साथ साथ मार्क करते चलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग की बेसिकली मैं आप लोगों को इसके अंदर ये ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम लोग एक्चुअली में कोर्स के अंदर सीखने क्या वाले हैं। ठीक है, इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को इसके अंदर कोई घबराने वाली कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है, जस्ट आप मेरे चीज़ को बस मैं आप लोग ये चीज़ देखो कि मैं बता क्या रहा हूँ। ठीक है, हम लोग इस कोर्स के अंदर सीखने क्या वाले हैं, जस्ट इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कोई ऐसी टॉपिक है जो कि अब जैसे मैं बोल दूँ कि भाई ये टू स्पैन एंड लीफ, अब आप बोलोगे स्पैन एंड लीफ क्या है, तो इस चीज़ के लिए घबराने की जरूरत नहीं। जब हमें स्पैन एंड लीफ का जब हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे तब उस टाइम आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करूँ कि नेटवर्क फंडामेंटल, सबसे पहले मैं बात करेंगे हम लोग नेटवर्क फंडामेंटल पढ़ेंगे, और नेटवर्क फंडामेंटल के अंदर हमारे ये टॉपिक्स रहेंगे, राउटर्स, L2 L3 स्विचेस में क्या डिफरेंसेज हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल और IPS में क्या डिफरेंसेज हैं, एक्सेस पॉइंट क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है। ठीक है, WLC एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम लोग एक्सेस पॉइंट जो हमारे वायरलेस डिवाइसेस होते हैं उनको मैनेज करते हैं, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड पॉइंट क्या होता है, सर्वर्स क्या होते हैं, टू टायर एंड थ्री टायर टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है, ये टोपोलॉजी कह सकते हो, टोपोलॉजी क्या होती है वो चीज़ हम देखेंगे। स्पैन एंड लीफ क्या होता है, वैन क्या होता है, और स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सोहो बोलते हैं, ये क्या होता है, और उसके बाद ऑन प्रीमिसेस एंड क्लाउड में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये टू कुछ की पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा नीचे, जो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा फिजिकल इंटरफेसेस एंड केबल टाइप। इसके अंदर हम लोग केबल्स के टाइप देखेंगे, कितने टाइप के केबल्स होते हैं हमारे, सिंगल मोड फाइबर क्या होता है, मल्टी मोड फाइबर क्या होता है, कॉपर क्या होता है, उसके बाद इथर शेड क्या मतलब इथरनेट क्या होता है, शेड मीडिया जिसे बोलते हैं हम लोग, एंड पॉइंट टू पॉइंट में क्या डिफरेंसेस हैं, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट ऑफ POE यानी पावर ऑफ इथरनेट का क्या कंसेप्ट होता है, क्या चीज़ होती है, किस तरीके से काम करती है, कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द इंटरफेस एंड केबल इशूज़, कुछ केबल इशूज़ होते हैं जिसको हम बोलते हैं कोलिजन, एरर, मिसमैच, डुप्लेक्स एंड या कह सकते हैं स्पीड, तो इस तरीके की चीज़ें को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
उसके बाद टीसीपी और यूडीपी के अंदर क्या डिफरेंसेस होता है वो डिस्कस करेंगे। IPv4 क्या होता है, किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद सबनेटिंग का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सबनेटिंग क्या होता है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कुछ वायरलेस के कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि नॉन ओवरलैपिंग वाईफाई चैनल क्या होता है, ठीक है, SSID क्या होता है, RF रेडियो फ्रिक्वेंसीज क्या होती है, इंक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है, और कुछ वर्चुअलाइजेशन का फंक्शन फंडामेंटल्स रहेंगे कि कैसे हम लोग एक वर्चुअल मशीन बना के किस तरीके से उसको नेटवर्क डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करा सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद स्विचिंग के कुछ कंसेप्ट्स हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं स्विचिंग कंसेप्ट के ऊपर कि मैक एड्रेस कैसे लर्न करता है, यानी एक स्विच जो है मैक एड्रेस को कैसे लर्न करता है, उसका एजिंग टाइम क्या होता है, किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फ्रेम स्विचिंग क्या होती है, फ्रेम फ्लडिंग क्या होती है, मैक एड्रेस टेबल को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। ये था हमारा नेटवर्क फंडामेंटल के अंदर। इसके बाद आता है आपका नेटवर्क एक्सेस, ठीक है, ये एक टॉपिक है नेटवर्क एक्सेस, और इसके अंदर जो हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर हमारा कि वीलैन क्या होता है, ठीक है, कैसे वीलैन को कॉन्फ़िगर किया जाता है, वीलैन का क्या कंसेप्ट है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ देखेंगे। नॉर्मल रेंज वीलैन क्या होता है, ठीक है, और एक्सटेंडेड रेंज वीलैन भी एक होता है हमारा, इसमें अंदर मेंशन नहीं है, बट मतलब कि एक नॉर्मल रेंज होता है, एक्सटेंडेड रेंज होता है, तो उनमें क्या डिफरेंसेज है, कहाँ पर हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, कहाँ पर एक्सटेंड, वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सेस पोर्ट क्या होता है, ठीक है, डेटा पोर्ट क्या होता है, वॉइस पोर्ट क्या होता है, वीलैन डिफॉल्ट वीलैन क्या होता है, नेटिव वीलैन भी एक होता है हमारा, नेटिव वीलैन आई थिंक नीचे होगा, देख लेते हैं, तो नेटिव वीलन क्या होता है वो भी देखेंगे हम, ठीक है, कनेक्टिविटी किस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद है स्विचिंग के कुछ कनेक्टिविटी, ठीक है, इंटर स्विच कनेक्टिविटी है, जिसमें ये हमारे सारे वीलन के ही टॉपिक्स होते हैं हमारे, ठीक है, वीलन के ही टॉपिक हैं ऊपर जो भी हमने देखा है। ट्रंक पोर्ट क्या होता है, 802.1Q क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम .1Q भी बोलते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ देखेंगे। यहाँ पे नेटिव वीलन मैं आपको भी ऊपर बताया था कि नेटिव वीलन भी हम देखेंगे, नेटिव वीलन क्या होता है, ठीक है। लेयर टू डिस्कवरी प्रोटोकॉल होता है, कुछ लेयर टू L2 के प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेयर टू प्रोटोकॉल जिसमें CDP NLLDP होता है, तो ये किस लिए यूज़ होता है वो हम देखेंगे। सिस्को, ये जो CDP जो होता है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ये सिस्को प्रोप्राइटरी होता है, और एक होता है LLDP जो कि ओपन स्टैंडर्ड होता है, देखेंगे इसको क्या चीज़ होता है ये हम, ठीक है। इसके बाद है हमारा ईथर चैनल क्या होता है, ईथर चैनल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि एक स्विच है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ ईथर चैनल क्या होता है। ये मल्टीपल लिंक्स होते हैं, इन मल्टीपल लिंक्स के मान के चलो कि एक लिंक की स्पीड है 100 Mbps, दूसरे लिंक की 100 Mbps, तीसरे लिंक की भी 100 Mbps, मैं तीनों को जब बंडल करता हूँ तो इसको टोटल स्पीड क्या मिलेगी, 300 Mbps, मतलब मैं इन तीनों लिंक को एज अ बंडल मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, जिससे क्या होगा कि स्विचेस की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र करने की, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आता है कि हमारा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है, एक STP होता है जिसके फुल फॉर्म होते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, उसके अंदर कुछ STP के कुछ फ्लेवर्स होते हैं जैसे रैबिट PVST, ठीक है, PVST, ये सारी चीज़ें, CST क्या चीज़ें होती हैं ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद STP के ही कुछ टर्मोलॉजीज होती हैं, जैसे बोलते हैं रूट पोर्ट क्या होता है, रूट ब्रिज क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी प्राइमरी स्विच कौन सा होता है, सेकेंडरी स्विच कैसे कन्फिगर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। और भी कुछ होते हैं जैसे डेजिग्नेटेड पोर्ट, देखिए यहाँ पे लिखा है अदर पोर्ट नेम, जैसे डेजिग्नेटेड पोर्ट, रूट पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, डेजिग्नेटेड नहीं दिया हुआ है, तो एक डेजिग्नेटेड पोर्ट भी होता है, ब्लॉक पोर्ट होता है, वो किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ पोर्ट के स्टेट्स होती हैं STP के अंदर, जिसके अंदर हम लोग कुछ 5 स्टेट्स होती हैं, ब्लॉकिंग से डिसेबल हो गया, फिर उसका उसका लर्निंग हो गया, लिसनिंग हो गया, इस तरह से पोर्ट्स होते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से पोर्ट्स के जो स्टेट्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके पोर्ट फास्ट के बेनिफिट, एक हमारा कंसेप्ट होता है पोर्ट फास्ट, ठीक है, तो वो किस तरीके से काम करता है, कैसे कन्फिगर करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, ज़्यादा नीचे आ गए, ऊपर चले गए, एक सेकंड होल्ड करो। कुछ कंसेप्ट हमारे सिक्योरिटी कंसेप्ट हैं, देखो मैं आपको बता दूँ, ये कुछ किस सिक्योरिटी के कंसेप्ट है, जैसे कि टेकैक सर्वर क्या होता है, ठीक है, रेडियस सर्वर क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को, ठीक है। WLC क्या होता है, WLC मैनेजमेंट एक्सेस कनेक्शन क्या होता है, मतलब एक मल्टीपल वायरलेस डिवाइसेज हैं उनको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, किस तरीके से हम अपने डिवाइस को टेलनेट SSH कर सकते हैं, HTTP ले सकते हैं, HTTPS कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। नाउ
उसके बाद है आपका आईपी कनेक्टिविटी, एक हमारा एक टॉपिक है आईपी कनेक्टिविटी का, ठीक है, आईपी कनेक्टिविटी, ठीक है। इसके अंदर आपका कुछ राउटिंग टेबल, किस तरह से राउटिंग टेबल मैनेज करता है, राउटिंग टेबल क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल जिसमें हम EIGRP एंड OSPF पढ़ेंगे, ठीक है, EIGRP एंड OSPF, ठीक है, OSPF। एक्चुअली माउस से टाइपिंग कर लिख रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, नो प्रॉब्लम। तो प्रीफिक्स क्या होता है, नेटवर्क मार्क्स क्या होता है, नेक्स्ट हॉप क्या होता है, किस तरीके से एक राउटर जो है किसी पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए डिसीजन लेता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको मतलब इस लेवल पे लेके जाऊंगा ना कि आप बेसिक से लेके आप यूं ऊपर की तरफ जाओगे एक तरह से, मतलब ठीक है, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस। मैं बता दूं कि ये CCNA कोर्स इतना मतलब अच्छा रहने वाला है, मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर आप CCNP लेवल की चीज़ें आप लोगों को मैं सिखा दूंगा। मैं आपको बता दूं, मैं इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को इसके लिए मतलब इतनी मतलब सोच रहा हूँ कि मैं इस तरह से आप लोगों की चीज़ बनाऊँ कि आप लोग मतलब कोर्स करो तो आपको लगे कि हाँ कुछ सीखा है मैंने, ठीक है। तो मेरा यही मकसद है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या था हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, मैट्रिक क्या होती है, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है, ये हमारा आईपी कनेक्टिविटी का कंसेप्ट है, ठीक है, ये हम देखेंगे। और देखते हैं, ये देखो ये जो कोर्स मैंने जो लिया है ना, ये दोस्तों ये जो कंटेंट लिया हुआ है ये मेरे बनाए हुए कंटेंट नहीं है, ये सिस्को का जो ऑथोराइज, आप अगर सिस्को की साइट में जाओगे, CCNA डाउनलोड करोगे तो वहीं से ये लिया गया है, ठीक है। जस्ट मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने के, ताकि हम लोग मतलब देखें तो हम लोग सीखने क्या वाले हैं इस चीज़ के अंदर, ठीक है, ओके। उसके बाद है ये यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया कि राउटर मेक्स फॉरवर्डिंग डिसीजन बाय डिफॉल्ट, मैंने अभी बताया कि आपको किस तरह से राउटर जो एक पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए डिसीजन लेता है, तो वो हम यहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैक्स क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक क्या होता है, राउटर किसी भी पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए मैट्रिक को कैलकुलेट कैसे करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ओके 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 ओके। उसके बाद हम राउटिंग को किस तरह से कन्फिगर किया जाता है, और उसमें हमारे दो प्रोटोकॉल हैं जैसे IPv4 एंड IPv6, ठीक है, ये हम देखेंगे किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद एक OSPF है हमारा टॉपिक, जो कि राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, जिसके अंदर नेबर एडजेसेंसी क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, DR VDR किस तरह से सिलेक्शन होता है हमारे, ठीक है, OSPF के अंदर, राउटर आईडी किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, किस राउटर आईडी का क्या कंसेप्ट होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ है हमारा फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, ये कुछ प्रोटोकॉल हैं, इसके ऊपर हम लोग देखें क्या होता है ये, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, कुछ आईपी सर्विसेज हैं हमारी, ठीक है, आईपी सर्विसेज हैं, ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईपी सर्विसेज का। इसके अंदर हम लोग नेट नेट का नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक टॉपिक है, वो हम देखेंगे, ठीक है। नेट को किस तरीके से ऑपरेट मतलब किस तरह से कन्फिगर किया जाता है, इसका किस तरह से नेट चलता है, काम कैसे करता है, ठीक है, बिहाइंड द सीन वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद DHCP DNS के बारे में देखेंगे, DHCP कैसे है, क्या काम होता है, किस तरह से DHCP आपके नेटवर्क पर काम करता है, ठीक है, किस तरह से एक जो क्लाइंट है, एक मशीन है, आईपी एड्रेस गेट करता है DHCP के थ्रू, ठीक है। DNS क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एक SNMP का एक टॉपिक होता है, जिसके थ्रू हम स्विचेस के अपने नेटवर्क डिवाइसेस के लॉक्स को जो है गेट कर सकते हैं, इन फ्यूचर अगर मान के चलो कुछ कुछ अटैक होता है या फिर कुछ मिसबिहेव होता है हमारे डिवाइस के साथ, तो मैं वहाँ पे उस लॉक के ज़रिए मैं उसको ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद DHCP रिले क्या होता है, वो सब देखेंगे हम लोग, सिसलॉग सर्वर क्या होता है, ठीक है, ये सब देखना है हमको। उसके बाद किस तरीके से हम लोग SSH कर सकते हैं किसी डिवाइस को, ठीक है। उसके बाद है कि हमारा TFTP FTP दो सर्वर है, जिसमें हम लोग क्या बेसिकली करते हैं कि हम लोग अपने राउटर एंड अपने यहाँ पे अपने नेटवर्क डिवाइसेस के जो बैकअप है वो स्टोर करते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम लोग बैकअप लेते हैं, ठीक है। हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर मान के चलो किसी राउटर का या किसी स्विच का पासवर्ड भूल जाते हो तो उसको आप कैसे रिकवर करोगे, तो ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी फंडामेंटल्स हैं, देखो सिक्योरिटी फंडामेंटल्स बहुत ही मतलब बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, इतनी एडवांस लेवल पे, लेकिन हाँ इसमें आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आप लोग एक्चुअली में आपको पता आएगा कि एक्चुअली में सिक्योरिटी होती क्या चीज़ है, किस तरीके से हम लोग अपने डिवाइस को अपने नेटवर्क डिवाइस जो नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं उसको हम सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ फंडामेंटल्स हैं, जैसे कि आपका थ्रेट्स क्या होता है, वल्नरेबिलिटीज क्या होती है, एक्सप्लॉइट क्या होता है, मिटिगेशन क्या होता है, ठीक है, इसकी क्या टेक्निक होती है, किस तरीके से हम किसी वल्नरेबिलिटीज़ को हम लोग वो कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट मीन्स किस तरीके से एक मान के चलो आपको एक लूप होल पता लगा कि भाई इस चीज़ में ये प्रॉब्लम है तो मैं उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, और वो जो स्टेप जो आपने लिया उसको ठीक करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड मिटिगेट, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे देखेंगे सारी चीज़ें।
उसके बाद है कि डिस्क्राइब द सिक्योरिटी प्रोग्राम एलिमेंट्स क्या होता है, यूज़र अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल हम किस तरीके से ले सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद वी कुछ हमारे पास डिवाइसेस को एक्सेस करने के कंट्रोल करने के लोकल पासवर्ड होता है, किस तरीके से हम अपने डिवाइस को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी बंदा ऐसा ना हो कि स्विच को लैपटॉप लेके आया, स्विच के साथ केबल कनेक्ट किया और स्विच का एक्सेस ले लिया, ऐसा नहीं करना हमको, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद है कि साइड टू साइड वीपीएन क्या होता है वो हम देखेंगे, किस तरीके से हम लोग वीपीएन कनेक्टिविटी करते हैं। वीपीएन भी बहुत एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको, तो ये आपका बेसिक है, ठीक है, दिस इज़ अ बेसिक वीपीएन वगैरह, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं है कि आप वीपीएन के अंदर पूरी ट्रबल शूटिंग आप यहाँ पे सीखोगे, नहीं, यहाँ पे आप लोग मतलब ये है कि आपको मैं वीपीएन की कन्फिगेशन तक सिखा दूँ और बोलूँ, ठीक है, वीपीएन की कन्फिगेशन वगैरह किस तरीके से की जाती है, जबकि यहाँ पे डिस्क्राइब है, ध्यान रखना, इसको ने सिर्फ इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको एडवांस लेवल पर जाकर चीज़ सिखाई गई है। सीसीएनए के अंदर आपको सिर्फ डिस्क्राइब किया वीपीएन एक्चुअली में होता कैसे है, कैसे काम करता है, जस्ट थ्योरी पार्ट, बट मैं आपको प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगा, ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा एडवांस कोर्स होने वाला आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक एसीएल का कंसेप्ट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, एसीएल एसीएल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। अगर आपको एक नेटवर्क इंजीनियर बनना है तो नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए ना तीन चार चीज़ें ही होती हैं जिसके ऊपर आपको अपना पकड़ बनानी होती है, जिससे आपकी बेसिकली आप नेटवर्किंग के अंदर आपकी पकड़ हो जाती है। सबसे पहली राउटिंग होती है, ठीक है, आपको राउटिंग, उसके बाद एसीएल एंड नेट, जो मैंने अभी आपको बताया था नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये तीन टॉपिक है। अगर आपने इस चीज़ के अंदर महारत हासिल कर ली, आपको नेटवर्किंग आ गई, नेटवर्किंग में है ही ये सब चीज़ें, ठीक है, हम देखेंगे कि राउटिंग क्या होता है, एसीएल क्या होता है, नेट क्या होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ वायरलेस सिक्योरिटीज़ हैं, WLAN, WAP2 से क्या होता है, प्रीशेड की क्या होता है, यूजिंग GUI किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, कुछ ऑटोमेशन है, ठीक है, फाइनली हमारा, क्योंकि सिस्को ने क्या किया कि पहले क्या था कि हमारा सिस्को ने जो कोर्स था कि उसने हर ट्रैक को डिफ्रेंशिएट किया हुआ था, जैसे सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग अलग था, सिक्योरिटी अलग था, डेटा सेंटर अलग था, ठीक है, डेवनेट अलग था। अब सिस्को ने क्या किया, सबको हटा के एक सीसीएनए मेन, इन्होंने सीसीएनए 200 और 200-301 ये कोर्स लॉन्च किया है, और उसने सारे जितने भी अलग अलग थे ना, राउटिंग स्विचिंग फायरवॉल सॉरी सिक्योरिटी डाटा सेंटर, इस सबको ख़त्म कर दिया उसने, सर्विस प्रोवाइडर सब कुछ ख़त्म कर दिया उसने, एक सीसीएनए का ट्रैक बना दिया 200, और इसने सारे जितने भी वो आपके अलग अलग ट्रैक थे उस सबको इसके अंदर मिक्स करके दे दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं, कई बार बोलते हैं न्यू सीसीएनए 200-301, ठीक है। तो ये कुछ ऑटोमेशन के टॉपिक रहने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग एक डिवाइस को मतलब ऑटोमेट करना है, किस तरीके से हम लोग, मान के चलो ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के अंदर 50 राउटर लगे हुए हैं, ठीक है, उन 50 राउटर के अंदर एक छोटा सा हमें कुछ कन्फिगेशन करना है जो कि सबके अंदर सेम करना है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे एक एक करके मैनुअली मैं सबका रिमोट लेके फिर मैं या फिर एक्सेस लेके मैं उसके ऊपर कन्फिगर करूँगा, मैं ऑटोमेशन कर दूंगा कि भाई ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें सबके पर अप्लाई हो जाए, मुझे किसी सिस्टम पर लॉगिन ना करना, किसी राउटर के ऊपर लॉगिन ना करना पड़े, तो ऑटोमेट करना चीज़ों को, ठीक है। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें भी बेसिक में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, और मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो आपके पास PDF की फाइल है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, आपको कमेंट, आपके कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।